ताजमहल के अंदर उर्स मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अगली तारीख 2 अप्रैल की नियत की है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है। ताजमहल में उर्स के संबंध में अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2024 को होगी। हिंदू महासभा ने पुरातत्व विभाग पुलिस कमिश्नर महोदय से प्राप्त RTI केस फाइल शामिल की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने माननीय न्यायालय में ताजमहल के अंदर शाहजहां उर्स को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक आंदोलन किया था। 2 फरवरी 2024 को केस दाखिल करने के बाद आज माननीय न्यायालय आगरा में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की तारीख 2 अप्रैल निर्धारित की गई है। जैसे कि आज कोर्ट में तारीख थी हमारी, जो हमने जो RTI से निकलवाई थी उन्हें साफ कह दिया था, तब भागने में कह दिया था, ये ऐसा ही नहीं कह दिया, और अब तक कोई इनकी अनुमति नहीं है। जो 144 लगी थी उसमें यानी हमने भी ये बात मांग की थी उनसे कि जब हमें कोई चीज़ काम करने कोई कार्यक्रम करने का अलाउ नहीं है, हम पे वाले पाबंदी, तो इन पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कार्यक्रम हर साल करते हैं, और इनके लिए कोई मुकदमा ना, हम मत कोई कार्यक्रम करें तो मुकदमा, और जे कोई कार्यक्रम करे तो इनको माफ़ी, मतलब इनको कोई भी माफ़ कर दे। देखिए, हमने एक बात दाखिल किया था माननीय न्यायालय ने आगरा में, जिसकी सुनवाई लगातार पिछली बार 4 मार्च को थी, 6, 7, 8 को जो उर्स कार्यक्रम हुआ है उसके संबंध में हम लोग बात दाखिल करा। बात दाखिल में ये कहा गया कि ये साझा का जो उर्स की कमेटी के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसमें हमने एक ITI मांगी है, 3 ITI, जो पुरातत्व विभाग ने कहा है कि ये जो कार्यक्रम होता है ये विभाग जो दिल्ली महानिदेशक की अनुमति के बाद उर्स कराया जाता है, और इस उर्स में किसी भी कमेटी को कोई भी अनुमति नहीं दी जाती, ना किसी कमेटी का इंटरफेयर है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट एवं मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मीना दिवाकर ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लोगों ने पुरातत्व विभाग आगरा एवं कमिश्नर महोदय आगरा से ITI के जरिए जानकारी मांगी थी कि उर्स संबंधी कार्यक्रम किसकी अनुमति से ताजमहल के अंदर होता है, लेकिन यह जानकारी अवगत नहीं कराई गई। हिंदूवादियों ने कहा कि दोनों RTI माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बड़ी कार्रवाई की मांग की है। संगठन के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि ताजमहल के अंदर उर्स का आयोजन पूर्ण रूप से गलत है तथा विभाग एवं उर्स कमेटी द्वारा 144 धारा का घोर उल्लंघन किया गया है। निश्चित तौर पर विभाग एवं उर्स कमेटी के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कायम कराया जाएगा। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।